नमस्कार दोस्तों, अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापत के बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ। इसमें आज 14 चैप्टर भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, जिसे उत्तर भारत कहा गया, इसी चैप्टर के साथ और आज के इस क्लास के साथ ही एंशेंट इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास को शुरू करेंगे। तो आज की क्लास को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ए नंबर, बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ मिलिंद पन्हों में सुवर्ण भूमि टकोला और चीन की समुद्री यात्रा के संदर्भ में मिलते हैं, तो यह बात सत्य है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ निदेशा के अंश में दूरवर्ती पूर्व में प्राचीन भारतीय व्यापार का व्यापक विचार विवरण मिलता है, यह बात भी सत्य है। कंबोडिया के हिंदू राज्य का एक विवरण चीन द्वारा संरक्षित है, जिसे वे फूनान कहते हैं, तो यह भी सत्य है। दे नंबर, अनाम में हिंदू राज्य को चंपा कहा जाता है, तो यह बात भी सत्य है। यह कौंडिन्य ने चंपा के राज्य की स्थापना की थी, तो चंपा के राज्य की स्थापना कौंडिन्य ने नहीं की थी, तो यह गलत हो जाएगा। ए बैस है और दे जो चार न है, ए बैस है, दे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है, दक्षिणी पूर्वी एशिया पर भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव बिल्कुल भी नहीं था, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया पर भारतीय संस्कृति प्रभाव था इसमें लिखा नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। कारण वह शिव भगवान की समर्पित अनेक मंदिर मठ जावा के डियंग पठार पर पाए जा सकते हैं, तो ये सत्य है। तो ए गलत है, लेकिन ब जो सत्य है, ए असत्य व ब सत्य है, तो चार नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। भारत की संस्कृति विश्व के कोने कोने में फैली हुई थी, जिसके परिणाम प्रमाण आज भी कई देशों में पर्याप्त रूप से मिलते हैं। मूल रूप से भू भुव सव तीनों शक्तियां ओम की ही है। शिव का ऐसा एक बहुत सुंदर और प्राचीन इंडोनेशिया मंदिर जावा में है। 9वीं शताब्दी में भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर परम्बान मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाकाव्य के चित्र भी बने हुए हैं। ये चित्र रामायण की कहानी को प्रेषित करते हैं। केंद्रीय जावा में दियंग पठार में चांदी पुतदेव, भीम श्रीखंड पावेन और अर्जुन नामक हिंदू मंदिरों के समूह से जावा का स्मारक का इतिहास प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं शताब्दी में किस वंश ने संपूर्ण सुवर्ण द्वीप पर राज्य किया? तो 8वीं शताब्दी में पूरे सुवर्ण द्वीप पर राज्य करने वाले शैलेंद्र वंश थे, तो तीन नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। श्री विजय साम्राज्य की स्थापना 4वीं सदी ईस्वी में सुमात्रा में हुई थी। इसने जावा और मलाया को बनाकर विशाल साम्राज्य बनाया था, मगर 8वीं सदी में इस प्रदेश पूर्वी द्वीप समूह पर शैलेंद्र राजवंश का नियंत्रण हो गया। जावा इंडोनेशिया के बोरोबदूर में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। इन्हें बनाने का श्रेय शैलेंद्र शासकों को है। बोरोबदूर स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजा भूमि सांभार व समरतुंग के संरक्षण में 750 से 850 ईस्वी के मध्य हुआ था। बंगाल का एक बौद्ध भिक्षु कुमार घोष शैलेंद्र शासकों का गुरु था, जिसके आदेश पर शैलेंद्र राजा ने तारा का मुहुर मंदिर श्री विजय सुमात्रा और जावा का बोरोबदूर मंदिर बनवाया था। शैलेंद्र शासक महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा के किस राजवंश के राजा ने पाल राजा देवपाल के पास नालंदा में मठ की स्थापना हेतु 5 गांवों का अनुदान मांगने के लिए राजदूत भेजा था? तो वो कौन से राजवंश के राजा थे? तो वह शैलेंद्र राजवंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी एशिया में गहन रूप से मूलबद्ध को भारतीय धार्मिक पद्धतियां निम्नलिखित में से कौन सही है? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में गहन रूप से मूलबद्ध दो भारतीय धार्मिक पद्धतियां, तो दो धार्मिक पद्धतियां कौन सी है? एक हिंदू धर्म और एक बौद्ध धर्म, तो ए और ब जो इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकोरवाट मंदिर कंबोडिया के संदर्भ में सही विकल्प चुनने, तो भगवान मंदिर भगवान बुद्ध को समर्पित है, तो यह मंदिर भगवान बुद्ध को नहीं भगवान विष्णु को समर्पित है, तो यह गलत हो जाएगा, वह सही है। मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, तो सह भी गलत हो जाएगा। वर्ष 1992 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ, तो द सही है। यह 1994 में नहीं 1992 में हुआ था, तो ब और द जो इसके सही है, तो चार नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो गया। भारत से बाहर हिंदू उपनिवेशों की स्थापना निम्न में से किनके प्रयासों की परिणति है? पल्लव चोल विजयनगर के शासक और मौर्य, इनमें खिलजों का कोई योगदान नहीं है। पल्लव चोल विजयनगर के शासक और मौर्य, इन्हीं के
द्वारा भारत से बाहर हिंदू उपनिवेशों की स्थापना की गई थी? तो ए, बे, से और ये चार नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। कंबोज के अंगकोर वाट का निर्माण किस शासक के राज्यकाल में हुआ? तो कंबोज के अंगकोर वाट का निर्माण जो है ये सूर्य वर्मा द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो दो नंबर ऑप्शन है जो इसका सही है। अंगकोर वाट मंदिर यह वृत्तर भारत के हिंदू मंदिरों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जिसका निर्माण 1125 ईस्वी में सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था। संपूर्ण मंदिर पत्थरों का बना है। 2.5 मील के घेरे में स्थित इस मंदिर के चारों ओर 650 फीट चौड़ी व 2 मील लंबी खाई है। मंदिर के अंदर जाने के लिए 40 फीट चौड़ा एक पत्थर का पुल निर्मित है। मंदिर के बीच का शिखर सबसे ऊंचा है तथा चार कोनों पर चार अन्य शिखर बने हैं। संपूर्ण मंदिर में कहीं पर भी चूने या पलस्तर का प्रयोग नहीं मिलता। मंदिर के भित्ति चित्रों व मूर्तिकला के विषय पुराणों रामायण व महाभारत से लिए गए हैं। रामायण की संपूर्ण कथा का उत्कीर्ण इसी मंदिर में मिलता है। राम रावण संग्राम सर्वाधिक भव्य भित्ति चित्र है। इसके अतिरिक्त बलि वामन मारीचिका गोवर्धन धारण स्वर्ग नरक समुन्द्र मंथन देव दानव युद्ध आदि प्रसिद्ध दृश्य है। यह मंदिर खमेर व चोल वास्तुकला का मिश्रण है। मंदिर के गर्भगृह में गरुड़ वाहन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु की स्वर्ण मूर्ति स्थापित है। यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर व सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह वैष्णो मंदिर अपने वित्तीय शिखरों पिरामिडों के कारण संसार का आश्चर्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसी मजूमदार के अनुसार दक्षिणी पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हो गया था? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य का जो उदय यह आरसी मजूमदार के अनुसार 8वीं शताब्दी में हुआ था। तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। आरसी मजूमदार के अनुसार जावा सुमात्रा व मलाया प्रायद्वीप से मिलकर बने श्री विजय राज्य में 8वीं शताब्दी ईस्वी में शैलेंद्र राजवंश का उदय हुआ। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के इतिहास की एक मुख्य घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विद्वान जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो तिब्बत के अंदर बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय विद्वान कौन कौन थे? तो इनमें पद्म संभव, संगरक्षित और दीपांकर थे। तो इन तीनों ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीन बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त तिब्बत छोलका नाम से भी जाना जाता है। महाभारत व कालिदास के रघुवंश में इसे तिरिविष्टप कहा गया है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार 7वीं सदी से शुरू हुआ। राजा सनगेपो ने बौद्ध धर्म को देशव्यापी बनाने के लिए नालंदा व औदन्तपुरी से कर्म से शांत रक्षित व पद्म संभव को आमंत्रित किया, जिनके निर्देशन में वहां समयस विहार की स्थापना हुई, जिसके वास्तु विद्या पर नालंदा औदन्तपुरी की छाप है। पद्म संभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को लोकप्रिय बनाया। तिब्बत में बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा निगम्मा की स्थापना इन्होंने ही की थी। पद्म संभव को तिब्बत में रिनपोचे तथा द्वितीय बुद्ध कहा गया। 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला के महान आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान अतिशा तिब्बत गए तथा वहां 17 वर्ष तक निवास कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तत्पश्चात वे श्री विजय राज्य में 12 वर्ष तक निवास कर भारत लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा गया? तो जावा को जो यवद्वीप कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव महेश को समर्पित है? तो परबन जो मंदिर है ये इंडोनेशिया का विशालतम हिंदू मंदिर है जो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और शिव को समर्पित है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के केंद्रीय जावा क्षेत्र चांडी कसलन, चांडी भीम और चांडी अर्जुन आदि में विद्यमान है। उनका सबसे पुराना अवशेष कलसन मंदिर है, जिसे राजा परकरण ने 778 ईस्वी में बनाया था। चांडी सेवी में सहस्त्र बौद्ध मंदिरों का समूह है। चांडी बेनन में एक शिव मंदिर है तथा यहाँ से विष्णु शिव ब्रह्मा गणेश व अगस्त्य शिव गुरु की उत्तम मूर्तियां प्राप्त हुई है। हालांकि जावा का कोई भी मंदिर बोरोबुदुर स्तूप जितना बड़ा नहीं है, तथापि वहाँ चांडी लोरो जोंगरंग परबंदन को जावा का सबसे बड़ा हिंदू स्मारक माना जाता है, जिनमें मुख्य मूर्ति शिव की है। यहाँ कुल 8 ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिमूर्ति मंदिर है, जिनके भित्ति चित्रों पर रामायण तथा कृष्ण चरित के दृश्यों का अंकन मिलता है। आनंद कुमार स्वामी ने परबंदन के भित्ति चित्रों को बोरोबुदुर से अधिक श्रेष्ठ माना है। चांदी पलावसन में पद्म पाणी व तारा की कलात्मक मूर्तियां व मैत्रेय का सिर विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दक्षिणी पूर्वी एशिया में जावा द्वीप में प्रथम शताब्दी ईस्वी में पहली भारतीय बस्तियां स्थापित की गई। फिर भी भारतीय राजनीति शासन तीसरी शताब्दी ईस्वी से ही स्थापित हो पाया। एक बौद्ध यात्री के अनुसार पांचवी शताब्दी में यहाँ ब्राह्मण धर्म प्रचलित था। पल्लवों ने चौथी शताब्दी ईस्वी तक अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो द और ब जो गलत है, तो इसमें सही कथन का पूछा है तो ए और स दो नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। जावा यवदीप, रामायण में यवदीप का उल्लेख है जहाँ सोने की खाने थी। अनुश्रुति के अनुसार एस जिसक नामक भारतीय ने 78 ईस्वी में जावा संवत की शुरुआत की। आरसी मजूमदार के अनुसार जावा में भारतीय उपनिवेश 2री सदी ईस्वी से प्रारंभ हुआ। फायान यहाँ की यात्रा करते हुए बताता है कि यहाँ केवल ब्राह्मण धर्मानुयायी रहते थे। यहाँ के शासकों के नाम वर्मन से समाप्त होते हैं। 5वीं सदी में जावा में गुणवर्मा के नेतृत्व में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्र वंश निम्नलिखित राजाओं में से किनके अपने समकालीन भारतीय राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे? तो शैलेंद्र वंश राजाओं के जो है समकालीन भारतीय राजाओं के साथ कौन कौन से राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे? तो उनमें बाल पुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन और श्रीमार विजयंत वर्मन के जो संबंध है वो मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। तो ब स और द, तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। श्री विजय के शैलेंद्र वंश तिलक राजा श्री बाल पुत्र देव नालंदा महाविहार के संरक्षक थे। उन्होंने पाल वंश शासक देवपाल की अनुमति से वहां एक विहार का निर्माण करवा 5 गांवों का दान दिया। शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मन के अनुरोध पर चोल शासक राजराज प्रथम ने 1006 ईस्वी में नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार के निर्माण को प्रोत्साहित किया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपने समकालीन शैलेंद्र वंशी शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन को परास्त कर उसे बंदी बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल वर्मन जिसने सुवर्ण कम अनुष्ठान किया एवं 20,000 गायों की दक्षिणा दी, वह राजा था। तो वह कहाँ का राजा था? तो वह बोर्नियो का राजा था। तो 2 नंबर ऑप्शन, इंडोनेशिया के द्वीपों में बोर्नियो सबसे बड़ा। बोर्नियो के हिंदू उपनिवेश का प्राचीनतम प्रमाण वहां के महकम नदी तट से प्राप्त 400 ईस्वी के 4 संस्कृत अभिलेख है, जिसमें कुंडक कौंडिन्य के पोते तथा राजा अश्ववर्मा के पुत्र मूल वर्मा द्वारा बहुसुवर्ण कम यज्ञ तथा ब्राह्मणों को बप्रकेश्वर तीर्थ में 20,000 गायें दान में देने का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगकोर वाट मंदिर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अंगकोर वाट मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था, तो ये बात सही है। यह विष्णु मंदिर है, यह बात भी सही है। इसकी दीवारों पर रामायण की संपूर्ण कथा का उत्कर्ण है, यह बात भी सही है। यह मंदिर ईंटों और पत्थरों का बना हुआ है, तो ये बात है जो गलत है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपंकर श्रीज्ञान ने चंद्रकीर्ति से शिक्षा ग्रहण की थी, तो यहाँ कहाँ पर की थी? तो सुवर्ण द्वीप में, 4 नंबर ऑप्शन। मलाया सुमात्रा आदि दक्षिणी पूर्वी एशिया प्रदेश प्राचीन समय में स्थूल रूप से सुवर्ण द्वीप कहलाते थे और चंद्रकीर्ति वहीं निवास करते थे। दीपंकर श्री ज्ञान ने 12 वर्ष आचार्य चंद्रकीर्ति के पास रहकर धर्म व दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए। कथन है, बोरोबदूर की मूर्ति से के एक दृश्य की पहचान सद्य बोधि प्राप्त बुद्ध की आजीविका उपक जिसके साथ 2 सह आजीविक थे के साथ भेंट के रूप में की गई, तो ये बात सत्य है। कथन वह, बोरोबदूर स्तूप के निर्माण के समय जावा के लोग चोल मंडलम के साथ संपर्क में थे, तो ये बात भी सत्य है। तो ए और ब दोनों है जो बिल्कुल सत्य कथन है, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा में सर्वप्रथम भारतीय बस्तियां किस में बसाई गई थी? तो जावा में सर्वप्रथम जो भारतीय बस्तियां बसाई गई थी वह 1ली सदी ईस्वी में बसाई गई थी, तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सोकोत्रा जाना जाता है, तो प्राचीन सोकोत्रा स्पुजी ध्वज के जन्म स्थान के रूप में यहाँ के रेशम और तलवार कारीगरी के लिए भारतीय उपनिवेश की अच्छी खासी उपस्थिति के लिए, तो जो प्राचीन सोकोत्रा है यह भारतीय उपनिवेश की अच्छी खासी उपस्थिति के लिए जाना जाता है, तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत जाने वाले निम्नलिखित विद्वानों को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तिब्बत के अंदर भारत से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाने वाले जो
विद्वान थे उनमें सबसे पहले कौन गए, सबसे अंत में कौन गए, उन इनमें चार विद्वानों के नाम दे रखे हैं जिनको कर्मवाइज करना है। इनमें कमलशील, शांत रक्षित, पद्म संभव और आतिश दीपंकर चार विद्वानों के नाम है। तो इनमें सबसे पहले जाने वाले थे वो थे शांत रक्षित, शांत रक्षित के पश्चात पद्म संभव, पद्म संभव के पश्चात कमलशील, और जो सबसे इन चारों में जो सबसे अंत में गए थे वो थे आतिश दीपंकर। तो स बे ए और द एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाराबदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है। तो बाराबदूर विश्व में जो अद्भुत स्तूप कला है, इसकी जो मूर्तिकला है, ये भारत और जावा कला का शानदार उदाहरण है। तो चार नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में कुमार जीव के बाद बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद निम्न में से किसने किया। तो चीन में बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद करने में कुमार जीव के बाद दूसरा नंबर किसका आता है। तो वे है पुण्य तात्र नहीं, धर्म यशस नहीं, बुद्ध यशस भी नहीं, शांत रक्षित। तो शांत रक्षित है जो बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया था। कश्मीर के बौद्ध विद्वान बुद्ध यश ने चीन में कुमार जीव की बौद्ध ग्रंथों के चीनी भाषा अनुवाद में सहायता की थी। चीनी ग्रंथों में उनकी बहुत प्रशंसा की गई। वे कोई भी भेंट उपहार स्वीकार नहीं करते थे। खुशी होकर चीन जाने वाले अन्य कश्मीरी विद्वान पुण्यतात्र धर्म या विमलाक्ष थे। चीन में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए जो महान आयोजन कुमार जीव द्वारा किया गया था, पुण्यतात्र भी उनमें से सहयोगी थे। धर्म यश पुण्यतात्र के शिष्य थे। कश्मीर से प्रस्थान कर मध्य एशिया होते हुए 397 ईस्वी में वे चीन पहुंचे। 453 ईस्वी तक वे चीन में रहे तथा 56 साल के इस सुदीर्घ काल में उन्होंने बहुत से बौद्ध ग्रंथों का चीनी अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां पर देवराज एक लोकप्रिय अवधारणा है। तो देवराज लोकप्रिय अवधारणा कहां की है। तो ये अवधारणा जो कंबोडिया की है। तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। जयवर्मा द्वितीय 802 से 850 ईस्वी तक का शासनकाल। जयवर्मा द्वितीय को कंबुज को शैलेंद्र आधिपत्य से मुक्त करवाने का श्रेय दिया जाता है। इसने इंद्रपुर नामक नवीन राजधानी का निर्माण किया। अमरेंद्रपुर इसकी उपराजधानी थी। जयवर्मन द्वितीय ने कंबुज राजेंद्र की उपाधि धारण की तथा भारत के हिरण्यदास नामक विद्वान के संरक्षण में देवराज नामक सेव संप्रदाय आरंभ किया, जिसका औचित्य कंबुज की स्वाधीनता को शैलेंद्र राज्य से कायम रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ इनमें से पूछा है कि कौन सा जो है वो गलत है। अंगकोर वाट मंदिर जो कंबोडिया में है, ये बात बिल्कुल सही है। प्रबंधन मंदिर ये इंडोनेशिया में है, ये बात भी सही है। स्वेदागो जो म्यांमार में है, ये बात भी सही है। लेकिन स्वयंभूनाथ जो श्रीलंका में है, तो स्वयंभूनाथ है जो श्रीलंका में नहीं है, स्वयंभूनाथ है जो नेपाल के काठमांडू में है। तो तीन नंबर ऑप्शन है जो गलत है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयंभूनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। उल्लेखनीय है कि पगान अरिमर्दनपुर के राजा अनिरुद्ध ने वर्मा म्यांमार में एक विशाल ठोस महास्तूप स्वेजिगान स्वेदागो का निर्माण करवाया था, जो भारतीय वास्तुशिल्प के अनुसार निर्मित मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में सुमात्रा जावा आदि स्थानों में शैलेंद्र राजवंश ने अपना राज्य स्थापित किया। तो जावा सुमात्रा आदि स्थानों पर शैलेंद्र राजवंश ने जो अपना राज्य स्थापित किया था वो क्या था, 8वीं शताब्दी ईस्वी में। तो चार नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्र वंश को किस शासक को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण करवाया। तो कालसन मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक थे पनंग करण। तो चार नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मिशन माइसोन मंदिर समूह दक्षिणी पूर्वी एशिया के किस प्राचीन राज्य की धरोहर है। तो माइसोन मंदिर समूह है जो ये दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी पूर्वी एशिया के चंपा राज्य के धरोहर है। चंपा अन्नम वियतनाम क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना उपनिवेश चंपा है। यह पूर्वतम भारतीय उपनिवेश है। चीनी व्यापार की कुंजी था। मजूमदार वह केपी जायसवाल का मत है कि चीनी स्रोतों के अनुसार चंपा राज्य की स्थापना 137 ईस्वी दूसरी सदी ईस्वी में की गई। यहाँ का प्राचीनतम हिंदू राजा श्रीमार था। इस वंश के शासक विशुद्ध भारतीय थे। संस्कृत उनकी भाषा थी तथा उनका धर्म शैव था। प्राचीन राजाओं में भद्र वर्मा का नाम प्रसिद्ध है। उसके राज्य में आधुनिक अन्नाम सम्मिलित था।
उसने अपने साम्राज्य को तीन प्रांतों, अमरावती उत्तरी प्रांत, विजय मध्यवती व पांडुरंग दक्षिणी में विभाजित किया। हिंदू संस्कृति को उसकी सबसे बड़ी देन मायसोन में भद्रेश्वर स्वामी का शिव मंदिर है, जो चाम लोगों का राष्ट्रीय देव स्थान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? तो मध्य एशिया के दक्षिण भाग में जो खोतान राज्य है, यह भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। खोतान मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का सर्व प्रमुख केंद्र है। बौद्ध परंपरा के अनुसार मौर्य अशोक के पुत्र उस्तन कुणाल ने सर्वप्रथम यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना की। इसके पौत्र विजित शंभू के पश्चात खोतान के सभी राजाओं के नामों का प्रारंभ विजित से होता है। विजित शंभू के समय वेरोचन द्वितीय शताब्दी ईस्वी नामक आचार्य ने खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चीनी यात्री फायान ने यहाँ बौद्ध धर्म के प्रचार का सुंदर विवरण प्रस्तुत किया। वह बताता है कि यहाँ प्रत्येक नागरिक अपने घर के सामने एक छोटा पगोड़ा बौद्ध स्तूप बनाता है। खोतान का गोमती विहार बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, जहाँ 3,000 महायान भिक्षु निवास करते थे। यहाँ से क्रोस्टी लिपि में लिखित धम्मपद व सद्र पुंडरीक ग्रंथ मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो प्रथम हिंदू राज्य था वह था श्री विजय। तो तीन नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। आधुनिक इंडोनेशिया के सुमात्रा, जावा, बोर्निया वाले आदि द्वीप प्राचीन काल में द्वीपांतर भारत हिंदेशिया सुवर्ण दीपक कहलाते थे। सुमात्रा यहाँ का सबसे प्राचीन हिंदू राज्य श्री विजय था, जो चौथी शताब्दी ईस्वी में स्थापित हुआ। 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस राज्य ने बहुत उन्नति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर चार युग्म दे रखे हैं, उनमें से गलत कौन सा है? चंपा, अनाम, सुमात्रा जो श्री विजय का शासन था, और कमोडिया जो यशोधरपुर, ये सही है, लेकिन श्याम जिसे श्री क्षेत्र कहा गया तो ये गलत है। तो तीन नंबर ऑप्शन है जो गलत है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहां उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, वे कहाँ के थे? तो परमार्थ जो है वो उज्जैन के थे। चार नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोस्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई? तो धम्मपद की जो क्रोस्टी लिपि में लिखी गई पांडुलिपि है, ये खोतान से प्राप्त हुई थी। खोतान में बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। खोतान से हमें क्रोस्टी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि मिली है। इसके अलावा सदर मुंड पंडरिक व उद्यान वर्ग नामक ग्रंथों की भी पांडुलिपियां मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है, जयवर्मन द्वितीय ने कंबुज में देवराज संप्रदाय की स्थापना की, तो ये बात सत्य है। इसके द्वारा वह कंबुज की स्वतंत्र रखना चाहता था, तो ये बात भी सत्य है। तो ए और बे दोनों सत्य है, तो एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैलेंद्रों द्वारा निर्मित तो स्तूप किस जगह स्थित है? तो शैलेंद्रों ने जो स्तूप बनवाया था वो कहाँ पर है? तो वो बोरोबदूर का स्तूप है। तो दो नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। जावा का बोरोबदूर स्तूप यह प्राचीन विश्व का विशालतम व अत्युत्कृष्ट बौद्ध स्तूप है। इसका निर्माण शैलेंद्रवंशी शासकों भूमि संभार व समरतुंग के संरक्षण में 750 से 850 ईस्वी के मध्य हुआ था। एक ऊंची पहाड़ी पर निर्मित इस स्तूप में कुल 9 चबूतरे हैं। 9 चबूतरों में 6 वर्गाकार व ऊपर के 3 गोलाकार है। प्रत्येक ऊपरी चबूतरा अपने निचले से छोटा होता गया। सबसे ऊपर वाले गोलाकार चबूतरे पर घंटा कीर्ति स्तूप दागाब बनाया गया है। ऊपर के 3 चबूतरों पर 72 स्तूप दागाब निर्मित है, जिनके ताखों में धर्मचक्र मुद्रा में बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित की गई। 4 प्रवेश द्वारों के साथ 4 प्रकार के ध्यानी बुद्धों तथा मैत्रेय, मंजुश्री, अवलोकितेश्वर जैसे बोधिसत्वों की मूर्तियां रखी गई है। सर्वाधिक सुंदर प्रतिमा मैत्रेय की है, जिसमें उन्हें बौद्ध विद्वान असंग को उपदेश देते हुए दिखाया गया है। कुल 400 बुद्ध मूर्तियों से युक्त इस स्तूप में लगभग 1500 मूर्ति उत्कीर्ण फलक भी है। इसमें प्रथम उपदेश के बाद बुद्ध के जीवन कथा ललित विस्तार के अनुसार तथा जातकों के अनुसार उनके पूर्व जन्म की कथाएं उत्कीर्ण है। मंजुमदार ने इस स्तूप को संसार का 8वां महान आश्चर्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंबोडिया के भव्यतम स्मारक अंगकोर वाट मूलतः किसे समर्पित है? तो अंगकोर वाट का जो मंदिर है यह मूलतः विष्णु को समर्पित है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है ईसा काल के प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। तो यह बात सत्य है, कारण वह पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। तो ये बात गलत है, तो ए सही है लेकिन बे जो गलत है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वोच्च स्थान रहा? तो जावा में जो सर्वोच्च स्थान जो रहा वो शिव का रहा। तो 3 नंबर ऑप्शन, भृगुवंश के श्री जय इंद्रवर्मन महाराजा धीराज ने किस पर शासन किया? तो भृगुवंश के श्री जय इंद्रवर्मन महाराजा धीराज ने चंपा पर शासन किया था। शंभुवर्मन, सत्यवर्मन, इंद्रवर्मन, हरिवर्मन आदि चंपा के अन्य शासक हुए। भृगुवंश या इंद्रवर्मन तृतीय 910 से 972 ईस्वी एक महान हिंदू विद्वान था। उसे षड दर्शन, पाणिनीय व्याकरण, बौद्ध दर्शन, काशिकावर्ती व सेव उत्तर कल्प का प्रकांड विद्वान कहा गया। चंपा के भारतीय उपनिवेशक अधिकांशतः ब्राह्मण व क्षत्रिय थे। तो ये था दोस्तों पप्पू सिंह प्रजापत की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ का 14 चैप्टर। इसी के साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास यहीं समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे। तब तक आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।